मेरा मास्क भी टूट गया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आपको मेरी हालत देख के पता ही चल रहा होगा कि मैं भी सोकर उठा हूँ। और गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और लंबा होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि रूटीन स्टार्ट करूँ सुबह उठने का, क्योंकि यार रनिंग एक्सरसाइज सब छूट गई, मेरी रूटीन ख़राब हो गई। मैं सुबह 8 उठने लग गया, कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं ऐसे उठता था। अब तो मैंने सोचा यार कि पहले जैसी रूटीन बनानी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं पतला भी हो गया पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेट घट गया मेरा। मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूं, रूटीन बनाऊं पहले जैसा। तो गाइस मैंने फाइनली आज से वो रूटीन स्टार्ट करा है सुबह उठने का। तो गाइस अभी मैंने मोटर चालू करी है पानी भरने के लिए, और अभी मैंने थोड़ा पानी पिया है। तो गाइस मैं अभी फ्रेश हो लेता हूँ, फिर देखते हैं हम एक्सरसाइज करने कहाँ जाते हैं, बाहर या छत पे। आज का ब्लॉग मैं 10 मिनट से ऊपर बनाऊँगा, बाकी उससे भी ऊपर बन सकता है, क्योंकि यार व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटे आ रहे हैं। ऐसी जल्दीबाजी में व्लॉग बन रहा है, अच्छी तरह शूट नहीं हो पा रहा। पिछला ही व्लॉग देख लो गाइस, बर्थडे वाला, जो विवेक भाई का बर्थडे था, तो मैंने बहुत शॉर्ट उसमें छोड़े, आधा अधूरा व्लॉग बनाया। गाइस 8 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम है, तो गाइस एग्ज़ाम के बाद ही व्लॉग बना पाऊँगा मैं अच्छे। 22 अप्रैल को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म है, तो गाइस बस थोड़ा वेट कर लो एग्ज़ाम तक। गाइस मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ उतने, और मैं आपसे फ्रेश होने के बाद मिलूँगा। और गाइस आप इतने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो व्लॉग को। तो गाइस मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं अब जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने छत पे। तो गाइस मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, और हम एक्सरसाइज करके नहा धो के रेडी होके मंदिर चलेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं एक्सरसाइज करके बात करता हूँ मैं आपसे। तो गाइस 5:45 हो रहे हैं और मैंने एक्सरसाइज कर ली है, डाइट भी ले ली है, दुकानें खुलना चालू हो चुकी हैं, और कुछ ही देर में मैं दिख भी नहीं रहा यार। तो गाइस कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, दिन निकल जाएगा, और अब हम नहा के चलते हैं मंदिर। तो गाइस मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर। शायद आपको आवाज़ आ रही हो, आरती हो रही है मंदिर में। तो गाइस मैं मंदिर जा रहा हूँ, और पता नहीं मैं वहाँ का व्लॉग शूट कर पाऊँगी या नहीं, तो चलते हैं मंदिर। चलिए सामने मंदिर है हमारे। तो गाइस मैंने जल चढ़ा दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ घर, घर पे बात करता हूँ आपसे। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और 6:30 होने वाले हैं, अभी 10 मिनट हैं। मैं बहुत दिनों बाद मंदिर गया हूँ, मतलब सुबह के टाइम मैं बहुत दिनों बाद मंदिर गया हूँ, मैं शाम के टाइम रोज़ जाता हूँ। और गाइस मैं जब सुबह मंदिर जाता हूँ ना यार एक्सरसाइज करके, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पूरे दिन बहुत अच्छा रहता है मेरा। और गाइस अलग ही फील आती है यार पूजा पाठ करो तो। तो गाइस मैं भी कुछ खा लेता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस मैं लाया हूँ फैन, और गाइस मैं चाय फैन खा लेता हूँ, और गाइस मैं ये खा के सो जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं बोर ही होऊँगा। तो गाइस मैं आपसे बाद में मिलता हूँ ट्यूशन जाने से पहले, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहो मेरे साथ व्लॉग में। तो गाइस अभी मैं उठा हूँ, और टाइम हो रहा है 10:45, और मुझे 11:30 बजे जाना है ट्यूशन। और मैं अभी खाने के लिए
लाया हूँ पापाया, मतलब कि पपाया। देखो मैं पपाया लाया हूँ खाने के लिए, तो इसको मैं खा लेता हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ ट्यूशन और मैं रास्ते में व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और मैं आपसे ट्यूशन आने के बाद मिलूँगा। मैंने कपड़े चेंज करे हैं और मुँह हाथ धोया है, मेरा मास्क भी टूट गया, तो मैं जा रहा हूँ गाइस ट्यूशन, आके मिलते हैं। तो गाइस मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, और मैं अभी बैंक गया था किसी काम से, और बैंक से भी आ चुका मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ कहीं। और ये भाई साहब गाड़ियाँ नहीं चला रहे, मुझे ब्लॉग शूट नहीं करने दे रहे भाई, रेड़ी बिलंगी। तो गाइस मैं अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैं ट्यूशन से भी आ चुका यहाँ पर, और मैं जहाँ गया था काम से वहाँ से भी आ चुका, और गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं लंच करता हूँ, और मैं आपसे शाम को बात करूँगा, क्योंकि अभी अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। तो गाइस मैं अभी लंच कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस इतने लंच तैयार हो रहा है, मैं आपको टाइम टेबल दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये ना मेरा टाइम टेबल, मैंने कम से कम 1 महीने से ये टाइम टेबल लिख के यहाँ पेस्ट कर रखा है। तो गाइस मैं बताता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर मुझे पानी भरना है, और फिर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके डाइट खा के अपनी मंदिर जाना है 6 बजे, जो कि आज मैं करेक्ट 6 बजे मंदिर गया था, ठीक है। और फिर ट्यूशन, जब ट्यूशन जाना है मुझे, उससे थोड़ी देर पहले उठ के अपना खाना खा के ब्रेकफास्ट करके ट्यूशन जाना है, और ट्यूशन से आके फिर लंच करना है, लंच करने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाना है, 4 बजे से पढ़ना है 1 घंटा, शाम को मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके फिर नहा धो के मंदिर शाम को, और फिर मैं डिनर करके सो जाऊंगा 12 या 11 बजे तक। तो गाइस अभी मेरा लंच तैयार हो रहा है, और लंच में बन रहे हैं चावल, और गाइस मैं भी लंच कर लेता हूँ, और आपसे मैं शाम को बात करूँगा। मैं थोड़ी देर आराम करके पढ़ूँगा, और पढ़ के मुझे एक्सरसाइज भी करनी है शाम को, यार बहुत थकान हो रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, तो आपसे मिलता हूँ मैं शाम। तो गाइस हमारा लंच रेडी हो चुका है, तो हम लंच कर लेते हैं, और मैं आपसे शाम को बात करूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं जा रहा हूँ चाचा जी के साथ किसी काम से, और 4 बज रहे हैं, मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, और गाइस मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं और चाचा जी चांदनी चौक मार्केट आए हैं, साइकिल मार्केट, और हम एक साइकिल। तो गाइस मैं और चाचा जी साइकिल मार्केट आए हैं चांदनी चौक, चाचा जी आगे चल रहे हैं, ये मशीन ठीक कराने आए हम सिस्टम की। अरे चाचा जी के साथ आया हूँ मशीन ठीक कराने। चाचा जी आगे चल रहे हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ घर पे। तो गाइस पीछे मेरे लाल किला और गौरी शंकर मंदिर है, ये लाल किला और ये गौरी शंकर मंदिर, अगर दिख रहा है तो वहाँ दिख रहा। चाचा जी आगे चल रहे हैं, और मशीन ये भैया लेके चल रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर। तो पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, फिर हम वहाँ से घर जाएंगे, तो चलते हैं घर, आपसे घर में तब। गाइस और चाचा किसी काम से आए थे चंडे वाले, है ना, देखो कल से नवरात्र शुरू है,
हो के मंदिर जाना है, ऐसा बात करते हैं आपसे। देखो गाइस मिलते हैं घर पे। तो गाइस मैं भी घर आया हूँ, मेरी हालत देख लो हैं, दोपहर से चाचा के साथ घूमे जा रहा हूँ। तो गाइस मैं भी घर आया हूँ, मैं अभी कहीं और दोबारा जा रहा हूँ चाचा के साथ खाना लेने। तो गाइस अभी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और वहाँ से आके मैं नहाऊँगा और मुझे लेट हो जाएगा तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगा शाम को। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मैं बाहर आया हूँ खाना लेने अपने छोटे भाई के साथ। नाम बताओ ये अपना। नहीं पता, नाम बताओ अपना। वियान नाम है इसका। और मैं देखो सब्जी लेने, कोई सब्जी ना, शाही पनीर और रोटी। तो गाइस मैं खाना लेके घर जा रहा हूँ और गाइस वहाँ पर खाना खाएंगे हम। गाइस सुनो, ये ब्लॉग में गाइस गाइस करते रहते हैं, इसके अलावा गाइस के अलावा कुछ नहीं बोलते। वाह अब बता दो गाइस, मैं गाइस नहीं करूँ तो क्या करूँ। आप ही बता दो कमेंट में, मैं आपको क्या बोलूं, फ्रेंड्स बोलूं या गाइस बोलूं या दोस्त बोलूं, कुछ भी बोल दो अपनी मर्जी से, कुछ भी बोल। क्या बोलूं मैं, कुछ भी बोल दो भाई, यही मैं तो यही कह रहा हूं भाई। तो गाइस मैं जहां खाना लेने आया हूं ना वहां पर मेरा स्कूल है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने है। देखो ये मेरा स्कूल है, सैन एंथोनी चर्च बॉय स्कूल। तो गाइस यहाँ मैंने 9th तक स्टडी करी है, फिर मैंने कहीं और स्टडी करी है। और गाइस पता नहीं कहाँ कहाँ वहाँ पे चले हुए। ये मेरा स्कूल है बेटा, सच्ची बताओ ना। तो गाइस बहुत ही ज्यादा याद आते हैं यहाँ के दिन, पुराने दोस्त, वो दोस्ती। एक सेकंड, यहाँ पे तो मेरी सिटी वैन पड़ती है। ये दो दो स्कूल है यहाँ पर, एक ही नाम के, सैन एंथोनी आगे गर्ल्स का है, पीछे बॉयज का है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा कुछ मत, समझा। तो गाइस ये मेरा स्कूल है और इधर गाइस इनका स्कूल है, खास मैं यहाँ पे भी पढ़ पाता। तो गाइस अभी खाना लेते हैं फिर हम चलते हैं घर। एक साइड बोलूंगा भाई, लड़कियां समझती हैं अपना पालिया, उनको मिलता है कालिया, सब बजाओ तालिया। क्या बढ़िया था गुरु। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है और अब हम चलते हैं घर। मैं बहुत तड़प पूरी भी और अब हम चलते हैं घर और मैं आपसे घर पे बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर और मैंने डिनर भी कर लिया है। और गाइस मैं भी घर आया हूँ थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैं घर आया हूँ, 30 मिनट पहले मैं घर आया हूँ। मैं चाचा जी के पास था, मैं चाचा जी के घर था। अब ब्लॉग को करते हैं एंड। और गाइस मेरा आज जो मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया था वो मेरा आधा ही रूटीन फॉलो हुआ है, बाकी मैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा आपको रूटीन। और गाइस अब ब्लॉग को करते हैं एंड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, आपको पता है मैं दोपहर से चाचा जी के साथ घूम रहा था बाहर। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और ज़्यादा ही पसंद आया और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो, फैला दो बिल्कुल। और गाइस 8 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम है पहला, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।